जब दोस्तों राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का फैसला आया था तो तनाव पूरी स्थिति पूरे देश के अंदर, और लोग ये सोच रहे थे कि राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का इतना पुराना केस अगर सुलझ जाएगा तो फिर उसके बाद मंदिर और मस्जिद का कोई भी ऐसा केस सामने निकल कर नहीं आएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, और एक कानून भी ऐसा बना हुआ है कि सुप्रीम 1992 में वो कानून बना था कि ऐसा अगर राम मस्जिद और मंदिर अगर कोई भी ठोकरा है दावा कि यहाँ पर मस्जिद थी या मंदिर था पहले, तो ऐसा कोर्ट नहीं सुनेगी। क्योंकि बाबरी में जो राम मंदिर का फैसला इसलिए सुना था क्योंकि 1992 में जो कानून बना था उससे पहले से केस चल रहा था कोर्ट के अंदर राम मंदिर बाबरी मस्जिद का। अब दोस्तों एक और नया विवाद सामने निकल कर आया है मंदिर और मस्जिद को लेकर, अयोध्या विवाद के बाद दोस्तों, यानी राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के बाद दोस्तों। मथुरा और काशी की एक मस्जिद है जिसका नाम है ज्ञानवापी, उस पर एक साधु ने दावा ठोका है। पहले से ही केस चल रहा है पर कोर्ट ने उसे मना कर दिया था सुनने के लिए। अब ये केस सुप्रीम कोर्ट में चलेगी, याचिका डालिए कि इस पर सुनवाई होनी चाहिए। और दावा ठोका है साधु ने कि वो जो मस्जिद है ज्ञानवापी, वहाँ पर मंदिर बना हुआ था पहले, मंदिर को तोड़कर वहाँ पर मस्जिद बनाई गई थी दोस्तों। अब दोस्तों ये नया विवाद सामने निकल कर आ रहा है, वहीं मैं आपको बता दूं दोस्तों ये जो विवाद है राजनीतिक होता जा रहा है, इसका फायदा राजनीतिक पार्टियां अब उठाने लगी हैं और इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने लगी। क्योंकि एक राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का जो सालों पुराना केस था उसे वो सुलझ गया, तो अब राजनीतिक पार्टियां इस विवाद को, यानी इस नए विवाद को सामने ला रही हैं और राजनीतिक में इसे राजनीति में ला रही हैं और इसका फायदा लेना चाह रही है। तो चलिए दोस्तों आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पर आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही।